हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल दीपक के भी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे केबल में परफेक्ट लक कैसे लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आप ये जो पिन देख रहे हैं फ्रेंड्स केबल के ऊपर, फ्रेंड्स ये केबल के बारे में बताता है कि हमारा केबल किस कंपनी का है, ISI मार्क क्या है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमारा केबल कितने स्क्वायर एमएम का है एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम केबल की लंबाई लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम हेक्सा फ्रेम की मदद से केबल को कट करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्रेंड्स काट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि फ्रेंड्स ज़्यादा कट मत करें वरना अंदर का केबल भी कट हो सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसके अंदर GI आर्मर लगा फ्रेंड्स, अगर आप उसे कट करना चाहें फ्रेंड्स तो अच्छी तरह से फ्रेंड्स कट करें वरना अंदर का केबल भी डैमेज हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल नाइफ हो तो उसे ज़्यादा अच्छी तरह से कट सकता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, GI आर्मर है फ्रेंड्स ये। इसे बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा बाहर आ गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यही है GI आर्मर। इसे अच्छी तरह से फ्रेंड्स तोड़ देंगे, तोड़ के सारा निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अर्थिंग का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स तो 2-3 रख लेंगे अर्थिंग देने के लिए फ्रेंड्स। सारा फ्रेंड्स अच्छी तरह से तोड़ लें फ्रेंड्स। ये इनर जैकेट है केबल की सेफ्टी के लिए फ्रेंड्स, इसे भी निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ये रेशम का धागा है जिससे केबल को बांधा जाता है फ्रेंड्स, इसे भी कट कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये क्लिपिंग टूल्स है जिससे फ्रेंड्स हम लग लगाएंगे केबल में। फ्रेंड्स, इसका कैप निकालेंगे और इसे अटैच करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसे लूज बिल्कुल ना छोड़े वरना हमारा हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम हाइड्रोलिक क्लिपिंग टूल्स है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस तरह हैंडल मारेंगे फ्रेंड्स तो हमारा क्लिपिंग टूल्स का अंदर का फ्रेंड्स बीट ऊपर की तरफ आएगा और हमारा लग को दबाएगा फ्रेंड्स। ये 150 का लग है, ये 150 का बीट है फ्रेंड्स। इसे सेट करेंगे, एक ऊपर की तरफ सेट करेंगे फ्रेंड्स और एक नीचे की तरफ सेट करेंगे। इसे अच्छी तरह से फ्रेंड टाइट कर लेंगे ताकि हमारा बीट बाहर ना आए। ये फ्रेंड्स लॉक करने के लिए है। फ्रेंड्स, इसका मेजरमेंट ले लेंगे फ्रेंड्स ताकि हमारा केबल ज़्यादा ना कट जाए। इसका इंसुलेशन अच्छी तरह से फ्रेंड्स उतार लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड सभी का कट करके और लग सेट कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा केबल ट्रायंगल शेप में होता है फ्रेंड्स, उसे राउंड करना पड़ता है क्योंकि हमारा लग फ्रेंड्स राउंड शेप में होता है। इसे अच्छी तरह से डाल के फ्रेंड्स इसको ठोक के अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ताकि ये केबल थोड़ा सा भी बाहर ना हो फ्रेंड्स, वरना जब टाइट करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा लग स्लिप होके बाहर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको लग करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा बीट सेट है, इसे फ्रेंड्स सेट करेंगे इस तरह से। इसे लॉक करेंगे, हाइड्रोलिक पंप से पंप करेंगे फ्रेंड्स, जिससे हमारा ये नीचे का बिट ऊपर की तरफ उठेगा और हमारा लग टाइट हो जाएगा फ्रेंड्स, केबल पे सेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पंपिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नीचे का बीट धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है और हमारा लग दब रहा है फ्रेंड्स केबल पे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा केबल लग गया। देखिए फ्रेंड्स, लूज़ करने से ये बिट नीचे की तरफ चलाता है फ्रेंड्स। ये एक हो गया फ्रेंड्स, इस पर फ्रेंड्स डबल करेंगे फ्रेंड्स, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ताकि हमारा लग अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब हम ये से किसी चेंज ओवर पर सेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये स्लिप नहीं करेगा बाद में। ये फ्रेंड्स वापस से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स, हमारा दूसरा भी रेडी हो गया। ये लग गया फ्रेंड, परफेक्ट लग सेट हो गया फ्रेंड्स हमारा केबल के ऊपर। इसी तरह से फ्रेंड्स हम तीनों में लग कर देंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और साइट का नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं फ्रेंड्स। हो गया फ्रेंड्स, अब ब्लू को करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स न्यूट्रल का लग करने के लिए फ्रेंड्स हमें इसका बिट चेंज करना पड़ेगा। 75 का बिट डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा केबल 150 स्क्वायर एमएम का है और न्यूट्रल फ्रेंड्स 0.5 होता है फ्रेंड्स, मतलब 75 का है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इसमें बिट 70 का यूज करेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा केबल अच्छी तरह से लग हो जाए फ्रेंड्स न्यूट्रल। फ्रेंड्स कलर कोड के हिसाब से फ्रेंड्स हम सारे लग पर टैपिंग करेंगे फ्रेंड्स, अच्छी तरह से फ्रेंड्स टैप लगाएंगे, वरना फ्रेंड्स अगर हमारा केबल आपस में भी टच होगा फ्रेंड्स तो शॉर्ट सर्किट होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ब्लू पे ब्लू, येलो पे येलो और ब्लैक पे ब्लैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप जो भी केबल ले फ्रेंड्स, वो 90 का हो या 70 का फ्रेंड्स या 50 का केबल हो फ्रेंड्स, हमारा ये क्लिपिंग टूल्स हाइड्रोलिक क्लिपिंग टूल्स फ्रेंड्स यही रहेगा, बस हम बिट चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने चारों पे मार दिया फ्रेंड्स अच्छी तरह से टेप। अब फ्रेंड्स जहाँ से केबल कट किया था वहाँ पर अच्छी तरह से फ्रेंड्स टेप मार देंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स मेरे चैनल को। फ्रेंड्स हमारा केबल रेडी हो गया फ्रेंड्स।